राम राम किसान भाइयों, किसान पाठशाला चैनल में थारो स्वागत है। आज आपां एक किसान गोष्ठी करन लग रहे हैं गुलाबी सुंडी के बारे में। कई किसानों ने इकट्ठा करे है, थोड़ी सी जागरूकता किसानों के अंदर लाने की जरूरत है। आ सुंडी किया जो अटैक करे फसल के अंदर और किया इनको लाइफ साइकिल हो, इनके बारे में चर्चा करा। गुलाबी सुंडी के बारे में किसान भाइयों आप चर्चा करा तो वो कोई नयो कीट कोनी, लगभग थे पुरानी खेती करन लग रहा है। आप चर्चा करने लग रहे गुलाबी सुंडी के बारे में, इनके अंदर थोड़ी सी जागरूकता अपन ने किसानों के अंदर लाने की जरूरत है। थोड़ा सा किसान जागरूक हो जाए तो इनको आप नियंत्रण की बात कौन कर सका, आप इन सुंडी ने मारनी है। एक ही शब्द काम में लेना आप, प्रबंधन, प्रबंधन शब्द आप काम में लेवांगा तो इन्हें कंट्रोल कर सका। सारों पहला तो अपन देखना भी इनकी जिकी है फसल के अंदर आवे की है, या जिकी पिछले साल आप फसल बीजी बिट्टी कॉटन की या जो भी आप अमरीकन नरमो बीजो बिंग अंदर आपकी चार स्टेज पूरी कर ले। एक तो अंडो है, अंडो इंगो हरे रंगो है किसान भाइयों, और लगभग गुलाबी सी आबा लेवे हरे सुरंग आपने दिखे। अंडा है जिका इंगा चारों आठ दिन तक रेवे, अंडो जब हेच हो जाए तो बिंग चारों तरफ काइटिन की परत हो, थोड़ी सी सुंडी भी काइटिन ने खावेगी फिर बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलता ही ओके मोनोफेगस कीट है और किसी फसल पर ही कोनी आवे, ना तो बीटी कॉटन को पत्तों खावे, वो सिर्फ क्या पर जावे को फूल के ऊपर जावे को, फूल के ऊपर चले जाओगे। फिर जिकी अंडी सुंडी छोटी निकली है बाल वर्गी, बा थोड़ा ओला ओला जिकी है फूल ने खा के मोटी हो जाए, और जब को साइज तीसरो स्टार चौथो पांचवे स्टार में जावे तो बा एक टिंडे के अंदर बढ़ जाएगी, बैठी आपकी अवस्था है जिकी पूरी करेगी। फिर मौसम की कंडीशन सही हो तो इंगो प्यूपा बन जाए, शंख बन जाएगो, शंख है जो 11-14 दिन तक रेवे, शंख के अंदर काइटिन की परत आ जाए। फिर भी शंख ने मैसेज मिले भी फसल बहुत बड़ी है तो बिंग अंदरों फिड़कलो निकल जाए, लेकिन आप तितली बोलना अडल्ट बोलना हमारी भाषा में, मेल फीमेल है जिसका मेटिंग करेगा फिर फसल के ऊपर आगे अंडा देना शुरू कर देगा। अब आप चार अवस्था की बात करी, अंडा है, लार्वा है, शंख है, प्यूपा और तितली है, फिड़कलो है। लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट हो अंदर वो साधारण रूपांतरण पाए जावे, जब फसल ना हो तो वहां चारों अवस्था में कोई न कोई अवस्था है जिकी सुसुप्ता अवस्था में रहे, यानी सोयडी रहेगी फसल है कोनी। आज की सुंडी है इन अंदर लार्वा रहे, लार्वा का मतलब सुंडी, जिकी थारी हरी सुंडी है अमेरिकन सुंडी है बिंगो रहे प्यूपा, और जो थारो आको टिड्डो है बिंग अंडा रहे सुसुप्ता अवस्था में 5-6 महीना तक। जी हाँ, आप 11 महीने के अंदर नरमे की चुनाई कर ली, चुनाई करे बाद में कि इनकी सुंडी तैयार हो जाए, जो प्यूपा अभी अडल्ट बन जाए अंडा सुंडी तैयार हो जाए तो बस सुंडी है जकी रेवे 6-7 महीने तक। जकी आप बन सटिया है वह खेत के अंदर अन्न खिलिया टिंडा है जगह खराब होएडा टिंडा, बंग अंदर बड़ेवो भी है रेसो भी है, वह जगह कॉटन सीड हो जगह बिनोला हो बन दोनों ने जोड़ के आ 11 महीनों लेके 4 महीने तक बिंग अंदर ही पड़ी रहे, ना तो इंगो प्यूपा बने ना इंगो फिड़कलो बने, किसी अवस्था में रेवे सुंडी अवस्था में। कई बार आप बीटी पैकेट खोलना जब बिंग अंदर सुंडी भी निकल जाए, कई किसान के बीज नकली आ गयो, तो किसान भाइयों बा बिंग एक अवस्था है, जब बीज तैयार करो बी टाइम बाओ छोटो सा बाल पर को बिंग अंदर हो दो बिनोला बन जोड़ लिया तो बैठे रहेगी। अब जिये भी अपनी फसल आप बीजांगा जी सरसों वाला नरमो पहला बीजड़ हुआ बिंग अंदर फूल जब आवेगा तो पौधो बहुत सारा हारमोन रिलीज करे, तो सुंडी के अंदर एक सेमियो लिक्विड छोटे आ सुंडी सेमियो लिक्विड बा बिन हारमोन की बिने स्वर्म आ जाए, और माए बाद में इंग अंदर फिरोमेन पाया जावे, फिर आज की है प्यूपा में बदल जाए, प्यूपा है जो 15-20 दिन तक रेवे फिर भी हो जगह फिड़कला निकल जाए, फिड़कला निकल गए यार फिर मेटिंग करके अपनी फसल पर अंडा देवे। अब किसानों के अंदर थोड़ी सी घबराहट होगी भी गुलाबी सुंडी आ गई, गुलाबी सुंडी आ गई, गुलाबी सुंडी जगह आगत नरम है बंग अंदर ही जद आई। सत श्री अकाल रिचपाल जी, बैठो जी। अंदर गुलाबी सुंडी जद आई है बिंग कारण के बिंग अंदर फूल आया और अपनी जगह बन सटियां बहु निकल गए और बहुत फिटकला बैठा अंडा दे दिया, तो एक बार थोड़ा सा फ्लैश आयो अब सुंडी कम दिखन लग रही है। इन कारण क्या किसान भाइयों थोड़ी बहुत स्प्रे करी या अपना जो कणक वालों नरमा बहु बराबर आ गयो इनमें भी फूल आ गया तो बस सुंडी थोड़ी 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 सारे बिखर गई, और किसान भाई जी भी कीटनाशक का स्प्रे करेगा तो बा नियंत्रण रहेगी सुंडी। इन वास्ते किसान भाइयों इंग नियंत्रण वास्ते पहलो काम तो आप करना है फेरोमेन ट्रैप लगाना है, कण किसान भाई लगा रखे आपके खेत में फेरोमेन ट्रैप लगाना चाहिए था ना, अच्छी बात कोनी, वो अपने कने एक के इंडिकेशन मिल जाए, अपने कने सूचना मिल जाए भी अब सुंडी है जी की खेत के अंदर आन लग रही है।
फेरोमेन ट्रैप है जो जो अपनी फसल है बीओ आपा 1 फीट थोड़ो सो ऊंचो लगानो है ताकि बिंग अंदर नीचे आपा कैप्सूल लगा देंगे। नीचे थे देखो बिंग अंदर लिफाफो सो बंधेड़ो है, वो कैप्सूल 21 दिन तक काम करे। आजकल लंबे समय वाला कैप्सूल भी आ गया जिसका पूरी इन 1 हेक्टर 4 बीघा अंदर आपा 5 लगाना है। हां अगर ज्यादा लगा ले तो कोई दिक्कत कोनी, 5 ज्यादा थे 10 भी लगा सो, लेकिन जकी मारी रिकमेंडेशन है 5 लगाना है थे। हर कने सूचना आ जाएगी जी अठे लगाएडा वार, अगर सुंडी वार तो बिंग अंदर फिटकला हजार फिटकला जका छोटा होवे लगभग 1-3 mm ताई का बड़ा हो जाए और सुनहरी सोने की सियाबा लेगे और बहुत ही फुर्तीलो कीट है वो बड़ो जोर। हां देखो लिफाफा के अंदर होवे 100 लेके 125 ताई अंडा देस के अगर मौसम फेवरेबल होवे तो। ई तरीको फेरोमेन आपा ट्रैप लगावांगे तो आपा ने बहुत मोटो फायदो मिलेगो, कुछ तो बिंग अंदर एडल्ट आ ही जाएगा तो कई सुंडियां दा आपा कंट्रोल कर ली। दूसरो आपन ठा लाग गयो भी अब सुंडी है जकी आन लाग रही है वो आपने कने एक हो गयो। दूसरो है किसान भाई लाइट ट्रैप, खेत के अंदर थोड़ी लाइट जला आपा लगावांगा और नीचे एक थोड़ो सो गड्ढो तैयार करके बिंग अंदर प्लास्टिक बिछा के मिट्टी को तेल डाल दे पानी भर के बिना या फिर थोड़ो सो डीजल डाल दो भी लाइट ट्रैप ने आपा 2 घंटा ही जलाना 8 बजे से लेके 10 बजे, 10 बजे बिन बंद कर दो। कई किसान भाई सारी रात जलांता रहे, सारी रात के मित्र कीट भी आ जाए तो कीट शुरू में जिए अंधेरो हो ना तो थोड़ा सा एक्टिव होए। दूसरा आपा किसान भाई कर सका जो आपा खेत में कचरो काटा, कचरे ने आपा के करना है बिन दिन के अंदर कौन बालनो नहीं वो ढेर बना तो जिए बरसाती मौसम है जिए भी गर्मी होगी थोड़ा सा सुको है तो बिन 8-9 के बीच में थे बाल बालनो तो है ही। हाँ तो बिन रात ने बाल दो बीह जगह हानिकारक कीट है बिंग अंदर आ जाएगा अडल्ट है जगह बहुत सारा मर जाएगा। ई तरीका आपा IPM जगह ना आपा बोला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कीटनाशकों को कम कम आपा प्रयोग करना है, दूसरी विधियां अपनानी है। अब आगे आपा बात करा तो नीम आधारित कीटनाशकों को आपा स्प्रे कणी नीम वाली स्प्रे करिए कणी किसान हाथे नीम वाली स्प्रे करिए कितना बीघा लीटर करिए जी 5 बीघा और कोई किसान नीम वाली स्प्रे करिए हुआ तो दिनेश जी करिए नीम वाली स्प्रे। नीम वाली स्प्रे में अपन वो ध्यान रखना है कि आपा इंगी जी डोज नीम ऑयल भी आवे 5 ml 1 लीटर में या सीधी 300 ppm की आवे अभी बढ़िया काम करे 0.03% आवे नीम वाली अजा डायरेक्ट टेनिंग अंदर साल्ट होवे। इंगो घोल में थोड़ा सा अपन ध्यान रखना है किसान भाइयों घोल के तरीको बनाना है अपनी जी बाल्टी है 10-15 लीटर की बिंग अंदर पहले दवाई घाल लो फिर ऊपर धार बांध के अंदर पानी गेरो। कई किसान भाई ड्रम के अंदर सीधी गेर दे दवाई तो वह घोले को नहीं ई वास्ते नीम वाली तो गोलियां बनाने बनाने दूसरी कोई भी दवाई करो तो बिना पहला बाल्टी के अंदर घोलो न कि आधो ड्रम कर गिर थे बिंग अंदर गिर दो बाल्टी के अंदर घोल के आपनो आधो ड्रम पानी बिंग अंदर डालो फिर गन वापिस चला दो। अब आपनो सोल्यूशन है जो बढ़िया बन गयो। ई तरीको नीम आधारित कीटनाशक है आप 5 ml 1 लीटर में सागे आपने कपड़ा धोने वाला जो सर्फ हो है वो 1 gram 1 liter पानी में 100 liter में आप 100 gram 500 liter को ड्रम है तो 500 gram वो मिलाना भी आपन अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नीम के फायदा होगा वो एंटी निर्मोचक की काम करे जगह अंडा है तो भट्टी रुक जाएगा अंडा सुंडी कौन निकलेगी सुंडी है यदि सुंडी दूसरे इन स्टार के अंदर है तो दूसरे में रहेगी तीसरे में है तो तीसरे में प्यूपा है तो भी आगे फिड़कली कौन निकलेगी फिड़कली है तो आगे बच्चा पैदा कौन करेगी। सागे सागे नीम वाली के करे एंटीवायरल एंटी फंगस इन तरीका के अंदर बहुत ज्यादा अपन फायदा करे नीम वाले की अपना चर्चा करा। एक नीम वाले के थाने किसान भाई बहुत मोटो एक फायदा और मिलेगा कई किसान कहीं कोई चीज मरे तो है कौन लेकिन नीम वाली स्प्रे करके और बीओ बाद में यदि दूसरी स्प्रे करोगे तो वह दुगनो काम करेगी। इन तरीकों आपा इन्हें आपा कंट्रोल कर सका गुलाबी सुंडी ने सारा किसान भाइयों ने सावल चेती रखने की जरूरत है। रोज आप खेत देखो थे थाने अगर सुंडी की पहचान करनी है तो बैठे थाने एक बंद फूल है जो मिलेगा बिल्कुल ही रोजेट की तरह वो बंद फूल थाने दूर दिख जाएगा 1-2 मिनट तक तो थारी के है जी अंख है जी फसल के सके टिके को नहीं थे बारू जाओ नहीं भी बाद में थाना ये सुंडियां दिखनी स्टार्ट हो जाएगी अगर खेत में है तो भी बाद में आप ये फूल ने देखा तो अंदर है जी सुंडी दिख जाएगी क्योंकि आज सिर्फ फूल ने खावे दूसरी चीज ने कौन खा। अब आपने प्रश्न आ जाओ फूल बंद क्यों हुए फूल बंद होने को कारण है कि आज की सुंडिया अंधेरों पसंद करे अंधेरे के अंदर है जी सुंडी है फिर फिटिंग करे आपको फिर चीज खावे वास्ते लिक्विड लगा के इन्हें बंद कर ले तो इन तरीकों आ सुंडी है जिकी फीडिंग करने लग रही है। अंडा है जिकी आ सुंडी हमेशा ही जिकी आप पत्ता देखने लग रहे हैं हरे रंगा थाने ध्यान देखोगे तो आप लेंस देखेंगे तो भी आपन मिल जाएगा हरे रंगा होगा टिश्यू के अंदर है जिकी आपको ओडीबोर है जिको लगा के और फिर जिकी अंदर ओवी पाउडर लगा के और फिर अंडा देवे इन वास्ते आपने टिश्यू के अंदर ही अंडा मिलेगा आ तो इनकी पहचान होगी। यदि आप सुबह सुबह इनकी मॉनिटरिंग करा तो हमेशा किसान भाइयों आप 15 घंटा देखना है
15 मिनट आइए कोनी खेत में घुसता ही हो सके बटे घास फूस हो या कोई सुंडी बटे ज्यादा हो या कोई रस चूसने वाला कीट ज्यादा हो। यदि आप मॉनिटरिंग करनी है देखभाल करनी है 15 मिनट एक मिनट आइए देख लियो, फिर आप कोई थोड़ा सा कदम इन्ने चले गया फिर इन्ने फिर आप इन्ने चले गया इन तरीकों आप 15 मिनट देखना है। 15 मिनट देखे बाद में आप 100 फूलों को निरीक्षण करना है, आप गिन लेना है, कापी पर लिखना चाहो तो कापी पर लिख लो। यदि आपने 100 फूलों के अंदर 10 फूलों के अंदर सुंडी मिल जाए तो आप स्प्रे करनी है। अगर खेत में 5-4 सुंडी आप आधे घंटे घूमिया तो अपन स्प्रे करने की जरूरत कोनी है। बीओ बाद में आप टिंडा को निरीक्षण करना, थोड़ा सा पकड़ा टिंडा हुआ आप 20 टिंडा लिया, यदि आप 20 टिंडा को निरीक्षण करियो बंग अंदर आपने 20 ही सुंडी मिल जाए तो आपने स्प्रे करने की जरूरत है, क्योंकि जी की पहला वाली फूल में ही जी टिंडा में चली गई और वह टिंडा पहला पकेट है, पहला अगर टेक रही हो तो बिंग अंदर आपने मिल जाएगी। इन तरीको आप रोजेट फूल अगर अपन 10% मिले और 20 टिंडा के अंदर सुंडी मिल जाए तो अपने स्प्रे का उपाय है जो करना चाहिए ना। अपना ETL लेवल बोलना इकोनॉमिक थ्रेशहोल्ड लेवल, फिर अपने स्प्रे करनी चाहिए। अब यदि सुंडी आप नीम वाली भी कर ली भी बाद में अगर सुंडी की संख्या ज्यादा बढ़न लग रही है तो फिर अपने थोड़ा सा केमिकल की तरफ जाना चाहिए। इंगा लिए थे स्पायरोमेसीफेन एक दवाई आवे ओबेरोन के नाम, 120 ग्राम अगर थे दवाई प्रयोग करोगे तो भी यह कंट्रोल हो गए। सुंडी वास्ते आप थे जी किसान भाई प्रोक्लेम करने लग रहे, प्रोक्लेम थारे थ्रिप्स ने भी मारेगी और सागे सागे किन्ने मरेगी सुंडी ने भी, फूल के अंदर सुंडी बिने भी आ कंट्रोल करे। तो इन तरीकों आप रासायनिक जिकी चीजें बंगो यदि प्रयोग करांगा तो भी आ पाएंगे प्रयोग। इन तरीकों एक जिकी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है PAU बन रिकमेंड कर रही की है स्पाइरो नेटू रोम दवाई है 11.6 वह आप प्रयोग करांगा लगभग 1 लीटर पानी के अंदर 1 ml डेलीगेट जिकन दवाई बोले। इनकी डोज किसान भाइयों ज्यादा कौन रखनी, अगर किसान भाई थ्रिप्स वास्ते करे तो 50 ml 100 लीटर पानी में, यदि सुंडी थे कंट्रोल करना चाहो सागे थ्रिप्स फूल के अंदर सुंडी है तो 1 ml दवाई 1 लीटर के अंदर। अगर आप अंडर डोज करांगा नहीं तो कई बार रिजल्ट तो मिल जाए लेकिन दवाई के अंदर जी रजिस्टेंट पैदा हो जाए, आ दवाई आप इस्तेमाल कर सका। सागे सागे आप किसान भाइयों निरीक्षण रखना है, स्प्रे की आप जी है प्रयोग है वो सही करना है, फुहारा है जगह बिल्कुल धुआं सो बनाना चाहिए और सुबह शाम आप स्प्रे करनी है। सागे सागे आप जिकी स्प्रे कर लाग रहा बी सुंडी वाली बिंग अंदर थोड़ा सो आप जो सर्फ टेंट या कोई सर्फ मिलावांगा तो बीह दवाई है कि ज्यादा फैल जाएगी, सागे दवाई ज्यादा भी काम करेगी। और आप सुंडी वाली जी है कई किसान है परफेनोफोस कर लाग रहे, परफेनोफोस के अंदर अपन ध्यान और रखना खेत के अंदर सरवाई होनी बहुत जरूरी है। परफेनोफोस यदि थे छोटे नरमे पर कर जाओगे तो नरमे का रंग लाल हो जाएगो, बीगो जो तनो है वो कड़ो हो जाएगो। ये सागे सागे कई किसान है फ्लू बेंडा माइड एक दवाई आवे बंगा रिजल्ट भी अच्छा है, बाद दवाई थे 1 ml 1 लीटर के अंदर मिलाओगा तो बिंगा रिजल्ट भी सुंडी के अंदर बहुत ही अच्छा मिलने लग रहा है। ए मैं थाने 2-3 दवाइयां बताई है पर फेनोफोस के अंदर हमेशा थे सरवाई, इथियोन भी थोड़ी बहुत सुंडी मारे, इथियोन जिद करनी है जब अपनी फसल है लगभग 120 दिन की हो जाए बी टाइम तो शुरुआत के अंदर है थाने 1-2 स्प्रे बताई है नीम आधारित कीटनाशक आप प्रयोग करांगा तो सुंडी पर आप निश्चित रूप नियंत्रण है जो पास का। ये समय समय पर मैं बहुत सारा फील्ड देखा जब भी सुंडी की पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी घटेगी तो थाने सूचना है जी चैनल के माध्यम में मिलती रहेगी। इन वास्ते चैनल ने लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, थारक ने कोई जानकारी तो माने बताओ दूसरे किसानों ने मैं भी बतावांगा। धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम। आज आप गुलाबी सुंडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी है।